इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित सभी जानकारी, शब्दार्थ एवं प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नमस्कार, आप सभी को हम इस चैनल पर स्वागत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और हाँ, अधूरा काम मत छोड़िए, सामने वाला बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 2, जिसका शीर्षक है सेखी बाज मक्खी। तो आओ बच्चों, पढ़ते हैं सेखी बाज मक्खी की कहानी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, स्नान मतलब नहाना, तो उसने नहीं नहाया था वो 2-3 दिनों से। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। तो आप को समझ में आया होगा कि 2-3 दिनों से शेर ने नहीं नहाया था, उसका शरीर से बदबू निकल रही थी, इसलिए मक्खी जो है उसके पास भिन भिन आ रही थी, ठीक है ना। उसने पंजा उठाया, पंजा किसने उठाया, शेर ने, मक्खी उड़ गए, लेकिन फिर से शेर के कान के पास विन 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 शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, बार बार आने से उसको बहुत गुस्सा आया। वो दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूँगा। तो मक्खी धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुँह से ऐसी भाषा कभी शोभा देती है, शोभा मतलब होता है सुंदरता या सुंदरता बढ़ाना, तो जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। आप इसको पढ़ते हैं। शेर का गुस्सा बढ़ गया, उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी, मक्खी बोली। तो शेर ने कहा कि एक तो मुझे सोने नहीं देती है, मुझे परेशान करती रहती है, और ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा। तो मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ, तो मक्खी बोलती है, वरना क्या कर लोगे, क्या मैं डर जाऊंगी तुमसे, ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे लड़ भी सकती हूँ, और हिम्मत हो तो आओ लड़ने के लिए, मक्खी ने कहा। उसके बाद शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना मतलब मुहावरा है, तो आग बबूला होना का मतलब होता है बहुत गुस्सा आना। उसने कान के पास पंजा मारा, किसने, शेर ने, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया, तो अपने ही पंजे से उसका जो उसकी कान छिल गया, ठीक है। मक्खी उड़कर शेर की एक नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, तो बाद में सेकंड टाइम को यानी कि दूसरी बार मक्खी जो है शेर की नाक पर बैठ गए, तो फिर उसने पंजा मारा मगर मक्खी उड़ गई, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई, ठीक है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर, मतलब मक्खी हार नहीं मानती है, जितनी बार शेर अपना पंजा उठाता है उतनी बार वो मक्खी जो है उड़ती है फिर बैठ जाती है, उड़ती है फिर बैठ जाती है। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, तो बार बार पंजा मारने से शेर जो है खुद को ही घायल कर रहा था। मक्खी तो फट से उड़ जाती, अंत में शेर कब गया उब गया सॉरी क्या लिखा है अंत में शेर उब गया मतलब परेशान हो गया, थक गया वो
बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। तो शेर बहुत थक गया था, पंजा उठाते उठाते पंजा मारते मारते, तो अंत में शेर कहता है, शेर ने बोला कि मक्खी बहन तुम जीती मैं हारा बस। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। तो मक्खी जो है बहुत घमंड, मक्खी का घमंड बढ़ गया, क्योंकि उसको लगा कि इतना बड़ा जानवर शेर मुझसे डर गया, इसका मतलब कोई मैं मामूली नहीं हूँ, मैं मामूली कोई सोचो कि इंसान, मैं मामूली इंसान नहीं हूँ। ठीक है, मक्खी ने समझा कि मैं मामूली कोई जीव नहीं हूँ। सामने एक हाथी मिला, तो मक्खी जो है घमंड से चूर होकर वो उड़ती हुई आगे जा रही थी, और रास्ते में एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। तो हाथी को भी मक्खी ने कहा, मक्खी बोली, अरे ओ हाथी मुझे प्रणाम करो, नमस्कार करो, क्योंकि मैंने जंगल का राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। तो मक्खी कहती है कि अब से जंगल में मेरा राज चलेगा। ठीक है, हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो हाथी ने सोचा कि चुप रहने में ही भलाई, सोचा। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। जैसे मक्खी बोली वैसे हाथी ने किया, उसने सूंड उठाया, प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यो सब देख लोमड़ी मंद मंद मुस्कराने लगी। मंद का मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो उसने मक्खी बोलती है लोमड़ी को, अरे ओ लोमड़ी मुझे तुम भी प्रणाम कर, क्योंकि मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी, विशालकाय मतलब बहुत बड़ा हाथी को भी मैंने आज हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता, लेकिन मक्खी रानी उधर वो क्या लिखा है, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही है, आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यो सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। तो लोमड़ी बहुत चालाक थी, लोमड़ी जानती थी कि मक्खी को कैसे सबक सिखाना है। मक्खी को कहा कि मुझे क्यों अकेले क्यों बात कर रहे हो, या क्यों अकेली बात क्यों कर रही हो, उधर देखो ना, हमें मक्खी बोली वो सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यो कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गए। तो मक्खी बोली, मैं एक चुटकी में उसको मार देती हूँ। तो उसको उस पर झपटी, जैसे झपटी तो वो मकड़ी के जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गए। अंत में वो थक गए, हार गए। यो देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो बच्चों कहानी ये है कि मक्खी बहुत घमंडी हो गई थी, बड़ा घमंड था कि मैंने शेर को भी हराया, हाथी को भी हराया। तो लोमड़ी को भी कहा कि तुम मुझे नमस्ते करो, नमस्कार करो। तो हाथी ने भी नमस्कार किया, क्योंकि हाथी जानता था कि ये छोटी सी मक्खी के साथ कौन अपना वक्त जाया करेगा, अपना वक्त बर्बाद करेगा।
तो उसने सूंड उठाकर वो जंगल की ओर चला गया। तो बच्चों आप कहानी के बाद हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, साथ ही साथ हम ये भी लिखेंगे ये पाठ के जितने भी कठिन शब्दों का शब्दार्थ भी लिखेंगे, यानी कि वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों यह है सेखीबाज मक्खी का पाठ का कठिन शब्दों के अर्थ, आप इसे नोट कर ले, ठीक है। तो यह है हमारा प्रश्नोत्तर सेखीबाज मक्खी के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसे आप नोट करें, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे कहानी में लोमड़ी अच्छी लगी क्योंकि उसने चालाकी से काम लिया, उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए फिर मकड़ी के जाल में फंसाया, इससे मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई, फिर क्या हुआ होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। फिर यहाँ इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर मक्खी जाल में फंस गए, उसने जाल से निकलने की कोशिश की मगर अंत में जाल में फंसकर मर गई, तो ये है उत्तर। तो फिर दूसरा है यहाँ पे ये वाला, कहानी मक्खी को ध्यान में रखकर, लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे, तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम रखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी या लोमड़ी और मक्खी, शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम रखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर, शेर और मक्खी। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर है नंबर टू में, अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो, शीर्षक मतलब कहानी का नाम, तो यहाँ पे यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, जैसे आपकी सेखीबाज मक्खी पाठ में कौन कौन पात्र है, यानी कि कौन कौन कैरेक्टर है उसमें, कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं उसमें, एक शेर था, उसमें एक लोमड़ी थी और उसमें एक हाथी था, उसमें मक्खी, ये सब को क्या बोलते हैं, कहानी का पात्र, ठीक है। तो अब ऐसा नाम दो जिसमें वो शीर्षक कहानी में किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, नाम जो है ना आपका जो टाइटल ऑफ द स्टोरी जो है वो किसी पात्र का नाम नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, कहानी का नाम नया शीर्षक, घमंडी का अंत, घमंड का सफल, तो ये हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद आगे फिर से देखिए, मक्खी ने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वो आग बबूला हो गया, यानी कि गुस्सा हुआ, तुम्हें जब कोई गहरी नींद में जगाता है तो तुम क्या काम करते हो, तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, जब मुझे कोई गहरी नींद से जगाता है तो मैं उनसे कहता हूँ मुझे अभी और सोने दो, तो यहाँ तक उत्तर है। तो उसके बाद मक्खी यहाँ पे लिखा हुआ है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, यानी कि परेशान हो गया था, तुम क्या करते उब जाते हो, यहाँ पे छूट गया है, आप अपने किताब से देख लेना, ठीक है, तुम क्या करते करते उब जाते हो, तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, मैं घर का काम करते करते उब जाता हूँ। उसके बाद फिर आता है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो, तो यहाँ में है उत्तर, तो यहाँ में उत्तर लिखा हुआ है, मैं खाना खाकर आराम करता हूँ, शेर ने भोजन में क्या क्या खाना खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो, तो यहाँ पे उत्तर, शेर ने भोजन में मांस खाया होगा, मैं चावल दाल रोटी और फल खाता हूँ। तो फिर यहाँ में कौन क्या, तो घमंडी कौन है, मक्खी, चतुर कौन है, चतुर का मतलब होता है चालाक, तो चालाक कौन है, हाथी, उसके बाद डरपोक कौन था, शेर, सबसे चतुर कौन था, लोमड़ी, उसी तरह से समझदार कौन था, हाथी, उसके बाद आलसी कौन था, शेर।
तो आपका उत्तर प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे इस पाठ का कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगा। आप इसे देखिए, ठीक है, और नोट भी कीजिए।